गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय कलीग्स डियर फैकल्टी मेंबर्स, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो सेकंड टॉपिक है, अल्टरनेटिव पाथवे। देखिए, पिछले टर्म पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक में आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्लासिकल जो पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो मैंने डिस्क्राइब किया था कि किस प्रकार कुछ जो विशिष्ट प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड सिस्टम में, हमारे प्लाज्मा में, वो एक प्रकार से एंटीबॉडी की सहायता से मिलकर के जो बैक्टीरिया है, पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको किल करने का कार्य करती हैं, उसको मारने का काम करती हैं। तो वहां पर जो क्लासिकल पाथवे है, उस पाथवे में, यानी जो एक प्रकार का परंपरागत माध्यम है कि यदि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को, उस सूक्ष्म जीव को, पैथोजन को, माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती है, कुछ प्रोटीन्स को एसोसिएट करती है बैक्टीरिया की सरफेस पे, जोड़ती है, और वो कहलाता है क्लासिकल पाथवे, राइट। उसमें कुछ प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करती हैं, कैस्केड बनाती हैं, और अंत में वो एक प्रकार का मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का बना लेती हैं उस बैक्टीरिया की सरफेस पे, जो कि उस बैक्टीरिया में पोरोसिटी क्रिएट कर देता है, छिद्र बना देता है, पोर्स बना देता है, और उसकी डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। उसी पाथवे में दूसरा पाथवे है जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में बेसिकली आप बिना एंटीबॉडी के बने ही, यानी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बॉडी में नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में, जो एक एंटीबॉडी है वो डेवलप नहीं हुई है, इसके बावजूद ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा में कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होती है, जैसे C3 प्रोटीन है, C5 है, इनको क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं बेसिकली। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पाथवे एक्टिवेट होता है। 1947 में पैलिमर और एक्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम बात करें कि इसमें एक बैक्टीरिया होता है, पैथोजन है, दिस इज पैथोजन, और व्हाट वी कैन से माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, व्हाट एवर वी कैन से, इसकी सरफेस के ऊपर हमें पता है बैक्टीरिया की सरफेस पे कुछ पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के शैवाल में, जैसे कि हम कह सकते हैं टिकोइक एसिड। सो टिकोइक एसिड इज ए स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड। तो इस टिकोइक एसिड से कुछ प्रोटीन समूह है वो अटैच होते हैं, और वो कैसे अटैच होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो C3 प्रोटीन होती है, C3 प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। C3 प्रोटीन है वो उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस होने के कारण ये हो गई C3A और C3B। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एक स्मॉल पार्टिकल है C3A और बड़ा पार्टिकल है C3B, उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो इस प्रकार से जो स्मॉल पार्टिकल है वो हो गया ये, और जो बड़ा पार्टिकल है वो हो गया C3B। तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाती है, और ये आकर के इस सरफेस पे अटैच हो जाता है, बैक्टीरिया की जो सरफेस है इस पे आकर के अटैच हो जाता है, राइट। अब इसके साथ क्या होता है, कुछ और प्रोटीन होती हैं यहाँ पर जो प्लाज्मा में है, वो प्रोटीन आकर के इसको स्टेबल करने का कार्य करते हैं। जैसे उन प्रोटीन को हम बी प्रोटीन कहते हैं, डी प्रोटीन कहते हैं, और एक बोलते हैं हम उसको बोलते हैं प्रॉपर डीन। तो ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन और पाई जाती हैं जो इसको स्टेबलाइज करने का कार्य करती है, इसको एक्टिवेट करने का कार्य करती हैं।
ये इनको हम बेसिकली फैक्टर्स कहते हैं, बी फैक्टर, डी फैक्टर और प्रॉपर्टी फैक्टर। तो क्या होता है, सी थ्री बी आने के बाद में बी प्रोटीन आकर के इसके साथ सरफेस पे अटैच हो जाती है। ये मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा बी प्रोटीन, लेकिन बी प्रोटीन को एक फैक्टर और आता है इसके साथ ही जिसको कहते हैं डी फैक्टर, डी प्रोटीन। बी जो है वो प्रोटीन जैसे ही यहां आकर के सरफेस पे जुड़ेगी वो बी को बी का डिस इंटीग्रेशन करती है, बी को दो भागों में तोड़ देती है, स्मॉल बी ए एंड बड़ा पार्ट जो है इस जो है बी पार्ट, राइट। यानी उसको हम यू कह सकते हैं कि डी प्रोटीन, डी जो है उसको हम बोलते हैं डी ए एफ, डी के एक्सीलरेशन फैक्टर, यानी ये बी प्रोटीन का विघटन करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। तो जो बी है वो टूट जाता है, कैसे टूटता है, बी बी ए जो कि स्मॉल पार्ट है और एक बड़ा पार्ट बन गया बी बी। अब ये बी बी सरफेस पे आकर के अटैच हो जाता है। तो ये जैसे बैक्टीरिया की सरफेस है, इसके ऊपर क्या क्या जुड़ गया, एक तो हो गया हमारा ये दिस वन इज नोन एज सी थ्री बी, एंड अगेन एक हो गया बी ए, सॉरी बी बी, ये तो बाहर चला गया, डिफ्यूज हो गया, ये आकर के इसका अटैच हो गया। और साथ में है डी फैक्टर जो कि एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ एक प्रोटीन और आती है उसको बोलते हैं पी प्रोटीन, पी फैक्टर प्रोपरडीन, ये इस पे अटैच होती है। ये क्या करती है प्रोपरडीन, ये इस बी बी जो प्रोटीन है इसको इस एंजाइम की सरफेस से ये जो मेम्ब्रेन की सरफेस है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से हटने से बचाती है। या मैं यूं कहूं कि बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी है ये इस बीबी के विघटन को रोकती है, मतलब बीबी को यहां से हटने से बचाती है। तो ये पी प्रोटीन एक प्रकार की स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, इसको स्टेबलाइजिंग प्रोटीन कहेंगे। ओके, जैसे ही ये प्रोटीन यहां अटैच होती है ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आपका बैक्टीरिया माइक्रोब्स पैथोजन, ये कहलाता है सी थ्री कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स, कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स। जैसा मैंने पहले बताया था कि यानी अब ये और सी थ्री प्रोटीन को रिक्रूट करने लग जाता है, यानी और बहुत सारी सी थ्री प्रोटीन है वो एक्टिवेट होंगी, रिक्रूट होंगी, सी थ्री ए में कन्वर्ट होंगी और सी थ्री बी आकर के इस पे सरफेस पे जुड़ता चला जाएगा, राइट। तो ये काम करता है बेसिकली ये सी थ्री कन्वर्टेज, जैसे पिछली यानी यहां से वापस कोई क्लासिकल पाथवे की शुरुआत हो गई कि यहां पे आपका सी थ्री बी है ये जो पहले वाला है, और ये हो गया आपका बी बी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे सी थ्री अगेन बी जो है प्रोटीन है वो और जुड़ जाती है। इसकी बहुत सारी सी थ्री बी प्रोटीन जुड़ती है, और सी थ्री बी प्रोटीन प्लाज्मा में भी काफी ज्यादा मात्रा में मतलब बढ़ जाती हैं, और ये बढ़ करके इस बैक्टीरिया पे अन्य प्रोटीन को इनवाइट करती हैं। यानी अब ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं सी फाइव कन्वर्टेज, राइट। जैसा कि इसमें था क्लासिकल पाथवे में कि ये सी फाइव कन्वर्टेज जो है, यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स सी फाइव कन्वर्टेज है, ये क्या करेगा, अगेन एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है सी फाइव। ये सी फाइव आएगी, वही सी फाइव ए है वो डिफ्यूज हो जाएगी और सी फाइव बी इस पे अटैच होगी। जैसे ही सी फाइव बी अटैच होगी सी सिक्स प्रोटीन, सी सेवन, सी एट और मल्टीपल सी नाइन जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है उसको बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उस पे अटैच कर देगी, जिससे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो जैसे ये होगा, Now what will be happen? We can say this is C3B, okay, and ये BB और ये again C3B, right? And C5 ये इसकी सरफेस पे अटैच हो जाता है, right? इसको मैं इस साइड में अटैच कर देता हूं, ये हो गया C5B। जैसे ही C5B होगा प्रोटीन्स हैं C6, C7, C8 और C9, ये प्रोटीन जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये आकर के इस पे अटैच होती है। C9 है वो मल्टीपल यूनिट होती है,
और ये इस बैक्टीरिया की जो सरफेस है, इस सरफेस पे आकर के और इस प्रकार से जैसे C9 प्रोटीन है वो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाती है। बाकी ये यहाँ पे पहले से है ही, ये सारी की सारी प्रोटीन यहाँ है। ये C9 आकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पोरोसिटी क्रिएट करता है, बैक्टीरिया से अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और बैक्टीरिया जो है इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होने के कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये एक अगेन सेकेंड पाथवे है जिसका नाम है अल्टरनेटिव पाथवे। और ये पाथवे बेसिकली जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का इनेट पाथवे है, यानी इसमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती है। इनिशियली एंटीबॉडी नहीं होती, जैसे बच्चे का जस्ट जन्म हुआ है कुछ समय बाद में जब मदर से फीडिंग लेना बंद करता है उसकी बॉडी में खुद की एंटीबॉडी भी नहीं होती है, उस दौरान उसकी बॉडी को बैक्टीरिया माइक्रो पैथोजन से इस अल्टरनेटिव पाथवे के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ये अल्टरनेटिव पाथवे, ये जो डिफरेंट प्रोटीन है, ये ब्लड में पाए जाने वाले पैथोजन माइक्रोब्स हैं, इनकी सरफेस पे अटैच होती है इस कैस्केड के द्वारा और उसको किल करते हैं, उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य करते हैं। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अल्टरनेटिव पाथवे। थैंक यू वेरी मच।